हिमाचल में लगातार बारिश बर्फबारी के बाद आज मौसम कुछ हद तक सुहावना हुआ। हसीन वादियों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने के बाद देवभूमि का नजारा जन्नत से कम नहीं लग रहा है। इस मनमोहक नजारे और ताजा बर्फबारी का पर्यटक खूब आनंद लूट रहे हैं। हालांकि अभी मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, धूप और छांव की आंख मिचोली सुबह से जारी है। वहीं बारिश बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन के साथ कई अन्य समस्याएं भी स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है। भारी बर्फबारी के बाद हिमाचल की अवरुद्ध हुई सड़कों को बहाल करवाने का कार्य शुरू हो चुका है। जिला किन्नौर की बात की जाए तो यहां लगातार बर्फबारी के दो दिन बाद मौसम सुहावना हुआ, जिसके बाद अब जिला के अधिकतर सड़कें संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा सड़क बहाली को लेकर मशीनरी जगह जगह भेजी गई है और सड़क बहाली का काम शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन अत्यधिक बर्फबारी के चलते जिला में शीतलहर का कहर जारी है। जिला किन्नौर के छितकुल, रक्षम, हांगरांग घाटी, निसंग, कुनोचारंग, कल्पा व अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। जिला में बर्फबारी से जहां किसान बागवान खुश है, वहीं अब सड़कें बंद होने से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक जिला के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में होटलों में फंसे हुए हैं और सड़क बहाली का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और पर्यटकों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। जिला में इस वर्ष की ये पहली और सबसे अधिक बर्फबारी हुई है, जिससे जिला में अब बर्फबारी का मानो लॉकडाउन लग गया हो और ग्रामीण व बाजार वाले सभी क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल बर्फबारी से बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं को दोबारा से प्रशासन दुरुस्त करने में लगा हुआ है और आज शाम तक ये तीनों सुविधाएं लोगों को मुहैया होने की उम्मीद भी दिख रही है।